Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyayan par busy ki class mein question number 3 ki or badhte hain aur yahan par question number 3 mein hame entries jo maintain karni hai wo yahan par mention hai cash balance, bank balance aur received cash from Rohit. To ये सभी एंट्रीज हम किस तरीके से पोस्ट करेंगे बिजी में, लास्ट के कुछ क्लासेज में हम देख चुके हैं कि वाउचर्स एंट्री हम किस किस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट या जनरल वाउचर में चढ़ाते हैं जो रिटर्न की हमारी एंट्री होती है. तो यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हम बिजी में अपडेट करेंगे. तो हम एक बिजी में फर्म बना लेते हैं और उसके बाद ये सभी एंट्रीज को पोस्ट करते हैं. बिजी के अंदर हम एक फर्म बना लेते हैं और फर्म बनाने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 की हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम वाउचर बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे वाउचर बनाने के बाद इसे F2 से फर्म को सेव कर देते हैं. फर्म सेव करने के बाद हमें यहाँ पर डिटेल्स फीड करनी होगी. तो यहाँ पर हम एक फर्म बना चुके हैं और फर्म बनाने के बाद हम एक यूजर नेम दे देंगे. हम यहाँ पर India123 डालते हुए अपना एक यूजर नेम सेव करा देते हैं. यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं और मल्टीपल यूजर भी आप बना सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम यूजर्स बनाएंगे. तो यहाँ पर एडमिन के अंदर, मास्टर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर हमें सबसे पहले सारे लेजर्स बनाने होंगे, या हम चाहें तो डायरेक्टली वो शॉर्टकट से भी बना सकते हैं जो हम पिछली वीडियोज में देख चुके हैं. अब हम चलते हैं अपनी पहली एंट्री. यहाँ पर है कैश बैलेंस 12,000 जो कि हम ऑल्टरेशन में ही डाल देंगे और बैंक का लेजर बनाते हुए उसका भी 80,000 रुपए पास कर देंगे. तो एडमिन के अंदर हम मॉडिफाई पे जाएंगे और कैश के अंदर हम एंट्रीज पास कर देंगे जो कि हमारा अमाउंट था 12,000 रुपए से. यहां पर डालते हुए हम उसे पास करा देंगे, F2 से इसे सेव करा देंगे एंड देन एक लेजर हम बनाएंगे बैंक का, क्योंकि बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस हमें पास करना और इसका ग्रुप होता है बैंक अकाउंट. और 80,000 रुपए की हमारी अमाउंट है, वो 80,000 रुपए की एंट्री हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे. उसके बाद सभी एंट्रीज हम वाउचर के अंदर से ही शॉर्टकट तरीके से उसको पास करेंगे. तो ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं और चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री की तरफ जो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित. 34,200 रुपए हमें रोहित से मिले हैं और इसकी एंट्री हमें रिसिप्ट में पोस्ट करनी है. हमें ऐड करना है 34,200 रुपए से हमें रोहित से पैसा मिला है. तो यहाँ पर GST नेचर अभी हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि सिंपल एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं. F3 से हम शॉर्टकट की से एक लेजर बना देंगे रोहित का जो कि हमारे लिए सन्ड्री डेटर है, और सन्ड्री डेटर पास करने के बाद इसे F2 से हम सेव करा देंगे. यहाँ पर पूछ रहा है टाइप्स ऑफ डीलर, क्योंकि हमने GST फीचर्स को इनेबल करा हुआ है तो ये चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं. अगर हम कंपनी बनाते समय GST को डिजेबल रखते तो फिर हमसे ये सब चीज़ें नहीं पूछता. फिलहाल के लिए हम यहाँ पर रजिस्टर मानते हुए इसे सेव करा देते हैं और F2 से इसे पास करा देते हैं. GST नंबर हमसे मांग रहा है रजिस्टर्ड लेने पे, तो अनरजिस्टर्ड लेते हुए हम इसे पास करा देते हैं. उसके बाद 37,200 रुपए का जो कि अमाउंट था 34,200 का, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं और डेबिट कर देते हैं कैश को और F2 से इसे सेव कराते हुए रेफरेंस दे देते हैं. अगर किसी पुराने बिल का हमें रिसीव हो रहा है या हम एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम पास करा सकते हैं. यहाँ पे हम सिंपल पार्टी का नाम डालते हुए कि रोहित से हमें पैसा रिसीव हुआ है पास करा देते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू अनुराग. अनुराग को हमें 12,400 रुपये दिए गए हैं जो कि पेमेंट वाउचर में आपको पास कराना है. पेमेंट वाउचर में आपको लेते हुए यहाँ पे पास करानी है पेमेंट वाउचर की एंट्री. GST नेचर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है. अनुराग को एंट्री का पैसा दिया गया है तो आपको F3 से अनुराग का एक लेजर बनाना है जो कि होगा सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हुए हमें इसे भी पास करा देना है टाइप ऑफ डीलर अनरजिस्टर्ड लेते हुए F2 से सेव कराते हुए. जो इसको बैलेंस दिया गया है वो है 12,400 का, वो हम यहाँ पर पास कराते हुए कैश को क्रेडिट रख देते हैं. तो इस तरीके से सभी एंट्रीज हमें पोस्ट करनी है और यहाँ पर पार्टी का नाम डालते हुए हम इसे सेव करा देते हैं. नेक्स्ट एंट्री हमारी है इश्यू चेक इन फेवर ऑफ हिमांशु, और हिमांशु को पैसा दिया गया है 5,000 रुपए का, एक चेक फेवर करा गया है. तो इसकी एंट्री के लिए हमें हिमांशु का एक लेजर बनाना होगा और
यहाँ पर F3 पास करते हुए हिमांशु को भी हमें सेंडरी के राइटर में रखना है, और उसके बाद यहाँ से भी टाइप ऑफ डीलर अनरजिस्टर्ड लेते हुए अभी हम सिंपल पास करा देते हैं, और जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। 5000 रुपये का एक अमाउंट है जिसको हमें बैंक अकाउंट से इश्यू करना है, क्योंकि चेक द्वारा पार्टी को पैसा जा रहा है। एंट्री पास करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस में हम हिमांशु डाल देंगे, या कोई भी किसके अगेंस्ट हम बिल दे रहे हैं वो सारा रीजन यहाँ पे डालेंगे, और इस चीज को हम डिटेल में सीखेंगे बिल वाइज डिटेल चैप्टर में जब हम आगे करेंगे। तो यहाँ से पास करने के बाद हमें एंट्री पोस्ट करनी है। आप ऊपर शॉर्टकट से भी इन वाउचर्स को बदल सकते हैं, लाइक कंट्रोल F5 पेमेंट के लिए, कंट्रोल F6 रिसिप्ट के लिए, कंट्रोल F7 जनरल वाउचर के लिए, कंट्रोल F8 सेल के लिए, और कंट्रोल F9 परचेज के लिए। तो शॉर्टकट की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप एस्केप करते हुए मैनुअली भी वहां पर जा सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं, वो है पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिक बिल। 14000 रुपये का रेंट और इलेक्ट्रिक बिल दिया गया है, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। आपको यहाँ से कंट्रोल F5 में वो एंट्री डालनी है क्योंकि पेमेंट वाउचर है, नॉट एप्लीकेबल GST रखते हुए। यहाँ पर रेंट का ऑफिस रेंट के नाम से यहाँ पर ऑलरेडी बिजी के अंदर अमाउंट डला हुआ होता है, एक लेजर डला हुआ होता है जिसको हमें सिर्फ वाउचर में अमाउंट डालते हुए पास करना है। यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है रेंट का वो है 14000 रुपये से, जो हम एंट्री पास कर देते हैं, या हम बना भी सकते हैं ऑफिस एंड इलेक्ट्रिक बिल के नाम से मैनुअली रेजर, और फिर वाउचर को सेव कर देते हैं। उसके बाद है पेड फॉर रिपेयर, 400 रुपये रिपेयर के लिए दिए गए हैं, और 400 रुपये रिपेयर के लिए दिए गए हैं, उसके लिए हमें F5 कंट्रोल के साथ दबाते हुए वाउचर पोस्ट करना है, और यहाँ पे F3 से करते हुए एक रिपेयर का लेजर बनाना है, और रिपेयर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए पास करा देना है। F2 से हम इसे सेव करा देते हैं। अमाउंट जो है उसका वो हमें यहाँ पर डालना है, और अमाउंट है 400 रुपये का, 400 रुपये से हमें इस अमाउंट को पास कर देना है। नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है वो है कैश ड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है जिसका 4590 रुपये अमाउंट है, यानी कि कैश डेबिट आपका होगा और बैंक क्रेडिट आपका होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बिजी में एस्केप प्रेस करते हुए अपना वाउचर्स पे जाएंगे, और यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर हमें एक एंट्री पोस्ट करनी है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि विड्रॉ हुआ है पैसा, और बैंक से विड्रॉ हुआ है बैंक अकाउंट क्रेडिट। 4590 रुपये से हमें ये एंट्री पोस्ट करनी है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वाउचर एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स टू सोहित। 5300 रुपये का माल बेचा गया है, और सोहित हमारे लिए डेटर है क्योंकि हमने सोहित को उधार माल बेचा है। 5300 रुपये की हमें एक एंट्री डालनी है, कंट्रोल F8 में वो हम एंट्री डालेंगे, लेकिन वो आइटम मोड की होती है और हमें चाहिए वाउचर मोड, जिसके लिए आपको डालना होगा जनरल वाउचर में एंट्री को, और जनरल वाउचर में हमें यहाँ पर सोहित को डेबिट रखना है और सेल को क्रेडिट। तो F3 से हम सोहित नाम की पार्टी का एक लेजर बना देते हैं और इसे रख देते हैं सन्ड्री डेटर में। इसके बाद हमें यहाँ से टाइप ऑफ डीलर भी लेना होगा, जैसा कि हमने GST को ऑन करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम GST ऑफ रखेंगे, और उसके बाद सोहित को जो यहाँ पर माल बेचा गया है वो बेचा गया है 5300 रुपये का। 5300 रुपये से हमें एंट्री पोस्ट करनी है, और सेल का लेजर ऑलरेडी इसमें बना हुआ होता है, तो ये एंट्री हम पोस्ट कर देंगे और रेफरेंस डाल देते हैं सोहित के नाम का ही। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है परचेज गुड्स फ्रॉम अनुज। 34000 का माल खरीदा गया है, और यहाँ पे हमें फिर परचेज डेबिट रखना है, परचेज का लेजर भी बना हुआ होता है जिसका अमाउंट है 34000 रुपये, और ये अमाउंट हमें डाल देना है 34000 रुपये से, जो कि पार्टी का नाम है अनुज। तो अनुज से हमें यहाँ पर F3 का एक लेजर बनाते हुए सेंट्री क्राइटर में रखते हुए इसे पास कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिर से हमें टाइप ऑफ डीलर लेना होगा और F2 से इसे सेव कराना होगा। तो लगभग सभी एंट्रीज हम पास कर चुके हैं, अब कुछ एंट्रीज हमारी बची हैं,
जिसमें माल रिटर्न आया है, सोहित से माल रिटर्न आया है यानी कि सेल रिटर्न हुई है, और अनुज से भी रिटर्न करा है हमने। अनुज को पार्टी से, अनुज से हमने कुछ माल खरीदा था 34,000 का, जिसमें से 1,600 का माल हम रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्ट वाइज कुछ मेंशन नहीं है तो अमाउंट वाइज ही हमें अमाउंट चढ़ाना है। आगे जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम आइटम वाइज भी देखेंगे कि किस तरीके से हम रिटर्न चढ़ाएंगे, वो भी आगे की वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम अब सोहित की एंट्री चढ़ाने वाले हैं 1,300 रुपये से, जो कि आपको जनरल वाउचर में ही चढ़ानी है। सोहित का हमने अकाउंट पहले डेबिट रखा था, अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि सेल रिटर्न डेबिट और सोहित क्रेडिट, जो कि 1,300 रुपये से हमें चढ़ाना है। और यहाँ पर सेल को आप डेबिट रख देंगे, उसका रिवर्स हो जाएगा 1,300 रुपये से, और सोहित को जो आपने डेबिटर बनाया था पहले डेबिट करा था, अब उससे रिटर्न आने पे उसे क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। और उसकी नरेशन आप नीचे डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि सोल्ड रिटर्न बाय सोहित, और इसे पास करा देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे जो भी रिटर्न हुआ था हमारा सोहित से, और उस पर एंटर करते हुए पास करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री है, और परचेज रिटर्न अनुज से हमने करा था, अनुज को हम अब डेबिट रख देंगे। अमाउंट हम यहाँ से देख लेते हैं, 1,600 रुपये का अमाउंट है, और परचेज रिटर्न हमें क्रेडिट करना है, यानी कि परचेज का लेजर में क्रेडिट साइड में रखते हुए उसको पास कर देना, और इसकी नरेशन भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सभी एंट्रीज हम डाल चुके हैं, और इस एंट्री को डालने के बाद हम अपना अब टोटल बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, जिसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर, कैश बैंक बुक पे। यहां से हम सिंगल कॉलम कैश बुक का पहले चेक कर लेते हैं कैश का बैलेंस, और कैश का बैलेंस आप देख सकते हैं क्लोजिंग का 23,990 रुपये। तो एज पर पीडीएफ हम देखते हैं यहाँ पर कैश का बैलेंस 23,990 रुपये, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब बैंक के बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 70,410 रुपये, और एस्केप प्रेस करते हुए हमें अकाउंट नेम में ले लेना है बैंक, और क्लोजिंग बैलेंस इसका आ रहा है 70,410 रुपये। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे कुछ और चैप्टर्स चलेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके बाद सब्सिडरी बुक होगा, देन और भी चीजें होंगी, पेरोल, जीएसटी, और भी सारी ट्रांजेक्शन होंगी, बजट्स होंगे, प्राइस लिस्ट होगी। तो बहुत सारे चैप्टर्स अभी आने बाकी हैं, और ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी वीडियोस अगर चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं आपको पूरा बेस तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो होपफुली आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ है, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल